Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, this is class sixth subject general English, chapter number six, topic the Indian American woman in space. Kalpana Chawla. So, my dear students, today we are going to read about a woman. नून नज़ कल्पना चावला जो कि पहली हिंदुस्तानी मूल की अमेरिकन वमन थी जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था और जो अमेरिकन उस ग्रुप की मेम्बर बनी थी जिस आ, स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था जो आखिर पे एक सानिया एक अफसोसनाक ट्रैजडी में तब्दील हुआ था तो लेट्स बिगन चलो हम पढ़ते हैं वेल well, आइफिया कल्पना चावला कहती है आइफिया आई मे नॉट बी द बी हाईजेकड बाई स्पेस कल्पना चावला दैट एंड दैट वॉज वट एग्जैक्टली हैपनड टू द ग्रेट एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला कहती है कि मैं डरती हूं कि मैं स्पेस में खला में हाईजेक ना हो जाऊं यही कुछ हुआ था एक ग्रेट एस्ट्रोनॉट के साथ ये आखिर पे उनके साथ यही हुआ था इन 1997 एन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबाउट द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया उन्नीस में हिंदुस्तानी मूल की अमेरिकन अमरीकी कल्पना चावला अमरीकी सिटीज़न कल्पना चावला ये पार्ट थी अमेरिका के उस स्पेस शटल की स्पेस ग्रुप की जिसका नाम कोलंबिया था बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू तो गो इन टू स्पेस ये पहली औरत बनी थी जो हिंदुस्तान में पैदा होकर होने के बाद स्पेस uh, में चली गई थी थ्रू अमरीका सैडली द सेकेंड मिशन ऑफ कोलम्बिया एंडेड इन ए ट्रेजडी बदकस्मती से ये जो दूसरा मिशन था इस कोलंबिया uh, का ये एक सानिया की नजर हो गया था एक ट्रेजिडी की नजर हो गया था तो प्यारे बच्चों स्पेस शटल जो है स्पेस शटल इज ए स्पेस एयरक्राफ्ट ये स्पेस शटल एक स्पेस एयरक्राफ्ट को कहते हैं दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल जो बनाया जाता है बार बार स्पेस ट्रेवल के लिए यानी ये, ये, ये बार बार इस्तेमाल किया जाता है स्पेस ट्रेवल के लिए अनलाइक रैकेट रैकेट एक बार इस्तेमाल होता है ये स्पेस uh, शटल uh, जो है या स्पेस क्राफ्ट जो है ये बनाया जाता है इसको बार बार इस्तेमाल में लाया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल बिटवीन द अर्थ एंड स्पेस स्टेशन जैसे कि ये स्पेस और स्पेस स्टेशन और अर्थ से बार बार चक्कर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो माई डियर स्टूडेंट्स यूज यूज़ ए डिक्शनरी टू डू दी टास् बिलो यहाँ पे कुछ टास्कस दी गई है तो अगर हम uh, क्या करेंगे ये इस्तेमाल कर डिक्शनरी इस्तेमाल करके ये टास्क हमें बराबर करनी है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और कुछ एक यहाँ पे ऊपर दिया गया है नेचुरलाइज यू एस सिटीज़न नेचुरलाइज यू एस सिटीजन दैट मीनस ये वो सिटीज़न है जो कि यूएस का नेटिव नहीं था बल्कि थ्रो नेचुरल प्रोसेस दैट मीन्स थ्रू मैरेज या सिटीजनशिप चेंज होने के बाद uh, जो बन जाए देसी एक नेचुराइज uh, होता है देसी यानी uh, जिस मलक का रहने वाला हो लेकिन ये नेचुरलाइज यू एस सिटीजन का मतलब यहाँ पे है कि शी गॉड द सिटीज़नशिप बाई नेचुरल प्रोसेस यानी बाई मैरिंग और समथिंग एल्स तो दूसरा यहाँ पे है uh, स्पेस स्पेस मीन्स खला स्पेस मीन्स खला फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस मीन्स खलाई हदूद खलाई हदूद ठीक है एब्रोड मीन्स यानी जहाज या नाव पर यानी जब आप जहाज में हो या नाव में यू हैव एब्रोड लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑफ इज लिफ्ट uh, ऑफ जब uh, जहाज उठता है तो जमीन और जहाज के उठने की जो अमल होती है ऊपर की तरफ उठने की अमल जो होती है उसको कहते हैं लिफ्ट ऑफ क्रू मीन्स द ग्रुप विच इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेस ट्रेवल ठीक है तो यहां पे एक और चीज दिया गया है अब ये यह देखिए यहां पे कुछ uh, अल्फाज दिए गए हैं हाई जैकड यानि अगवा किया यानी एगवा करना हाई जेक मीन्ज एगवा करना स्पेस मीज खला स्पेस मीनस खला एस्ट्रोनॉट मीन्स खला में सफर करने वाला खलाई सफर करने वाला या खला में सफर करने वाला एस्ट्रोनॉट क्रू मीन्स जहाजी अमला यानी द ग्रुप विच इज प्रपेयर टू ट्रेवल थ्रू एन एरोप्लेन और थ्रू द

नेचुरइज मीन्स देसी फ्रंट फ्रंटियर्स स्पेस मीन्स खलाई सरहद या खलाई स्पे, खलाई हदूद एब्रॉड मीनस जहाज पर लिफ्ट ऑफ मीनस तयारे का जमीन छोड़ कर ऊपर जाने का आ, अमल ठीक है तो ये कुछ अल्फा वर्ड्स थे जो आप देख सकते हो और आप इनको नोट डाउन कीजिए विथ मीनिंग तो यहां पे एक और क्वेश्चन यहां पे दिया गया है जो नो नोट्स द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स स्पेलिंग इन वर्ड्स का आप नोट कीजिए नोट्स कीजिए ये लिखा है एयरप्लेन अगर एयरप्लेन हम कह सकते हैं ये हवाई जहाज लेकिन अगर हम इसको देखते हैं एयरप्लन हवाई जहाज ोग्राम प्रोग्राम पी आर ओ जी आर ए एम प्रोग्राम दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल स्पेल्ट इन अमेरिकन इंग्लिश ये अमेरिकन लैंग्वेज में हम एयरप्ल लिखते हैं या प्रोग्राम अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं तो ब्रिटिश एयरप्लेन मीन्स एरोप्लैन प्रोग्राम मीन हम ऐसे लिखते हैं पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई प्रोग्राम तो ये स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में एयरप्लेन अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन लिखते हैं और ब्रिटिश प्रोग्राम uh, को पी आर ओ जी आर ए एम लिखते हैं जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको uh, थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं ए ई आर ओ पी एल ए एन ई अगर हम प्रोग्राम uh, लिखते हैं पी आर ओ जी आर ए डबल एम ओके तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ए, 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 एक जो ये ट्रेजरी है हम इसके बारे में थोड़ा यहां पे जानने की कोशिश करते हैं यूएस एस इन स्पेस यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। जो यूएस स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम कोलंबिया था ब्रेक्स पी ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स ये शोलू में तब्दील हुआ ये ट्रेजरी रिपोर्ट यहां पे है। एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजरी एक गैर मामूल स्पेस uh, ट्रेजरी खलाई सानिया खलाई uh, मुसीबत खलाई आफत यूएस स्पेस शटल यूएस स्पेस शटल कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था कैरिंग एन इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला हिंदुस्तानी मोल की हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एक अमरीका की एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स और और लोग लोगों के साथ ब्रोक पार्ट इंफ्लेंस एट टेक्सास स्ट्रीट इट्स लाइनिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे फेबर फर्स्ट टू थाउजेंड थ्री किलिंग ऑल द सेवन ऑन बर्ड तो ये जो हिंदुस्तानी मूल की अमेरिकन सिटीजन जिनका नाम कल्पना चावला था इनके साथ छः और मेंबर क्रू मेंबर थे उनका जो स्पेस शिप था स्पैस uh, स्पेस शटल था uh, या स्पेस क्राफ्ट था वो फ्लेम्स में शोलू में तब्दील होता है और uh, वो गिर जाता है व टैक्सीज़ जो टैक्सीज़ का मतलब है जो अमेरिका की एक रियासत का नाम है लकीरों में ट्रिप्स में तब्दील होकर ये सैटरडे सैटरडे थी एक फरवरी 2003 को और ये सात के सात मेंबर जो उसमें थे वो आ, मर जाते हैं द शटल लॉस्ट कंट्रोल विथ नासा जो ये शटल था जो स्टेट ये क्राफ्ट जो था स्पेस क्राफ्ट था इसने अपना जो कंटैक्ट था नासा के साथ आ, इसने वो खो दिया था तकरीबन नौ एम नाइन एम एज इट कैम इन फॉर लैंडिंग ये जब ये ये उस वक्त लैंडिंग के लिए आ रहा था इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ व लैक फीट ये तकरीबन दो लाख फीट की ऊंचाई पर उस वक्त ट्रैवल फ्लाई कर रहा ट्रैवल कर रहा था एंड uh, ट्रैवलिंग ओवर ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर्स पर ओवर यह तकरीबन उस वक़्त दो बीस हजार किलोमीटर प्रति घंटा uh, स्पीड के साथ जमीन की तरफ आ रहा था लॉ इट ग्राउंड कंट्रोल लास्ट कंटैक्ट विथ शटल जब इसने ये कंट्रोल ये अपना कंट्रोल खो दिया था कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन सिक्सटीथ जनवरी 2003 ये कोलंबिया ये जो शटल था ये स्पेस क्राफ्ट जो ये था इसने लैंडेड ऑफ किया था यानी ये ज़मीन से उठा था ये दो हजार जनवरी 2003 को फ्रॉम कैंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा ये कैंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से तकरीब 16 जनवरी 2003 को ये यहाँ से उठा था इट हैज़ स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज एंड द सेवन मेंबर क्यू मेंबर्स कंटेक्ट 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगन इट डाउनवर्ड जर्नी तकरीबन 80 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंटेक्ट किए थे उन्होंने बताया था उनके बारे में और Uh, तक अस्सी uh, uh, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जब ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा करने लगा मेन इट इट वन इट मैन इंडिड इन द ट्रैजडी जब ये, ये जब ये ख़त्म हुआ था जब ये ट्रैजडी हुई थी दिस वॉज कोलम्बियाज ट्वेंटी एट स्पेस फ्लाइट ये इसकी आठवीं फ्लाइट थी एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर हंड्रेड फ्लाइट्स और ये एक सौ फ्लाइट्स के लिए माना जाता था कि एक कामयाब रहेगा लेकिन इसने इस अपना कंट्रोल खो दिया तो, तो माई डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही तो इन कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो भी आ, 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 आप थोड़ा तैयारी करके आना कि जो मैंने लफज आपको यहाँ पे बताए उनको भी आप थोड़ा रिमाइंड करके और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे ओके गुड बाय